तो दोस्तों, अंडररेटेड स्मार्टफोन्स हमें गूगल की तरफ से भर भर के देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। अंडररेटेड वो इसलिए हैं क्योंकि लोग यार उनकी तरफ ना ध्यान नहीं देते, उनके प्राइजेस भी काफ़ी ठीक हैं। मतलब आईफोन और बाकी सीरीज़ के तो हम क्या ही कहने, उनके प्राइजिंग को लेकर के, उनके प्रॉफिट्स को लेकर के, लेकिन गूगल बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। पर्सनली मुझे गूगल के स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम उनके यूआई की बात करते हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छा यूआई है यार, एकदम क्लीन यूआई है। जहाँ पर बात नाम नहीं लूँगा, खैर मैं तो नाम ले सकता हूँ यार, मुझे कौन सी स्पॉन्सरशिप मिली है, रेडमी पोको जो स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, शाओमी की तरफ से भर भर के ऐड दिखाए जा रहे हैं हमें। और यहाँ पर जो इंटरफेस है ना, जो यूआई है ना, इतना क्लीन है, मतलब क्या ही कहने। गूगल की तरफ से जो गूगल की सीरीज 6 है वो अब और सस्ती होने वाली है और डिस्काउंटेड होने वाली है, पता है आपको, मैं बता रहा हूँ और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अक्टूबर के अंदर हमें गूगल की तरफ से देखने को मिलेगा गूगल पिक्सल 7 सीरीज, जिसके अंदर 2 स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, गूगल पिक्सल 7 और 7 प्रो। तो ये लॉन्च होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। तो जो गूगल पिक्सल 6 सीरीज है उस पर हमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा और आप काफ़ी अच्छे प्राइस पर उसको ले सकते हो अगर आप सोच रहे हो एक नए स्मार्टफोन के बारे में। इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 10-15 हज़ार का भी अगर आपका बजट है, 10-15 आज के दिन में यार एक बजट मतलब एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए माना जाता है। खैर एंट्री लेवल 7-8 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल इंडिया का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ चुका है। जैसे ये चाइनीज़ ब्रांड आई है ना इंडिया के अंदर, जैसे जैसे इन लोगों ने एक्सपेंड किया है, तो 10-15 हज़ार आज के दिन में लोगों का बजट हो चुका है कि वो स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो 10-15 के ही ब्रैकेट में मोस्टली जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर वो बिकते हैं। तो यहाँ पर 10-15 के अंदर भी अगर आप फ्लैगशिप का वो टेस्ट करना चाहते हो ना फ्लैगशिप यूज़ करना, कि कैसा होता है फ्लैगशिप काइंड ऑफ थिंग, वो वाली फीलिंग आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल के स्मार्टफोन्स के साथ में जा सकते हो, यानी कि जो गूगल के पिक्सल 3 सीरीज़ है, 3 सीरीज़ आज के दिन में इतनी अच्छी है कि आज के दिन में उस स्मार्टफोन के अंदर भी एंड्रॉयड 12 की अपडेट है और काफ़ी स्मूथली रन कर रही है वो उस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है उसके अंदर, आप देख सकते हो, डिटेल्स आपको यहाँ पर खैर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और कैमरा आज के जो आपके 20,000 के स्मार्टफोन हैं उनसे भी अच्छा कैमरा मैं कह सकता हूँ कि गूगल के स्मार्टफोन का है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, कि सोच रहे हो मेरा चैनल आपको दिख रहा हो, कितने सब्सक्राइबर है, स्पॉन्सर कहाँ से आएंगे, स्पॉन्सरशिप। तो गूगल के स्मार्टफोन मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गूगल पिक्सल 3 के साथ में आप जा सकते हो, और कम बजट है 7-8 का, तो 7-8 में आपको गूगल पिक्सल 3A मिल जाएगा, यानी कि ऐसी कंडीशन में अनबॉक्स जो फ्लिपकार्ट तो आप सभी यूज करते हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर कैटेगरीज में जाकर के अगर आप देखोगे तो आपको रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स्ड सुपर्ब ये कुछ कैटेगरीज मिल जाएगी। अनबॉक्स्ड कैटेगरी यानी कि ऐसा स्मार्टफोन जो सिर्फ अनबॉक्स्ड ही है, जिसको यूज़ नहीं किया है, वो स्मार्टफोन आपको 8,000 के आसपास मिल जाएगा गूगल पिक्सल 3A। और 8,000 के अंदर जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, काफ़ी ज़बरदस्त है। बैटरी उसकी थोड़ी छोटी है, 2800-2900 mAh की है, लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, बैटरी उसकी चलती अच्छी है। लेकिन अगर आप गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन देख रहे हो तो आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस के लिए एक स्मार्टफोन देख रहे हो, फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए, अच्छे कैमरा के लिए एक स्मार्टफोन देख रहे हो, तो एक बार इस स्मार्टफोन की तरफ ज़रूर नज़र मारना। फ्लिपकार्ट में मैंने आपको बताया रिफर्बिश्ड की कैटेगरी में ये मिल जाएंगे। रिफर्बिश्ड यार ऐसे मत सोचो कि बेकार है, उसके अंदर थोड़े बहुत स्क्रैचेस मिल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्क्रैच लग रहे हैं, क्वालिटी बेकार लग रही है, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा, आप वापस करा सकते हो उस स्मार्टफोन को। लाइक आज आपने मंगाया, कल डिलीवर हो गया, परसों, या जैसे भी आपके जितने भी दिन लगते हैं डिलीवरी में, जैसे ही डिलीवर हुआ उसके 10-15 दिन का टाइम होता है, आप उल्टा उसको करवा सकते हो और पैसे ले सकते हो। एक बार आप मतलब एक्सपीरियंस करके तो देखो यार, गूगल के स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा काफ़ी सस्ती प्राइस के ऊपर। इसके अलावा 10-15 हज़ार का अगर आपका बजट है तो गूगल पिक्सल 3 के साथ में आप जा सकते हो। 4 इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन जो अगर आपकी लोकल शॉप्स हैं उन पर अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको 4 मिल सकता है, यानी कि उस कैटेगरी के अंदर, यूज्ड कैटेगरी के अंदर आपको गूगल का गूगल पिक्सल 4 मिल सकता है। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, आई थिंक 8 सीरीज़ का प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 है मेरे हिसाब से शायद, वो आप देख लेना, स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ चिपका दूंगा मैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 4A जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, कह रहे यार एक तो इंडिया के अंदर गूगल के स्मार्टफोन लॉन्च बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग उनकी तरफ देखते नहीं है ना, अंडररेटेड है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो
बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, मतलब मंगा करके, जैसे फ्लिपकार्ट से मैंने आपको बताया ना, आप दो चार दिन यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो रख लेना, वरना वापस करा देना, आपको पैसे मिल जाएंगे पूरे। तो Google Pixel 4a जो इंडिया के अंदर लॉन्च भी हुआ था, जो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, उसकी तरफ आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गूगल की 5 सीरीज़, वो तो खैर लॉन्च हुई नहीं इंडिया के अंदर, 6 सीरीज़ है वो अभी महंगी है, अक्टूबर में जैसे उनकी 7 सीरीज़ आएगी तो उस पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 6 सीरीज़ एक काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छी उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, उसकी तरफ भी आप नज़र रख सकते हो जैसे ही 7 सीरीज़ आए, डिस्काउंट मिले। ड्यूअल टोन फिनिश है, खैर उसके अंदर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अलावा जो लुक्स है वो मुझे काफ़ी क्लासी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ लुक। अगर हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 3 की, तो उसके अंदर भी ऊपर की तरफ ग्लोसी फिनिश है हल्का सा, और नीचे कैमरा के नीचे वाले सेक्शन में जैसे हम उस पर नज़र डालते हैं तो मैट फिनिश टाइप ऑफ फिनिश हमें देखने को मिलता है। ब्लैक कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है उसके अंदर गूगल पिक्सल 3 की। अगर मैं बात करूँ 4 का भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि उसकी जो साइड में फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और बटन एक अलग कलर का होता है तो वो भी एक अच्छी क्लासी सी वाइब देता है। तो ये स्मार्टफोन्स हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो। अगर फ्लैगशिप का मजा आप लेना चाहते हो 10-15 हज़ार के प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यही था इस वाले वीडियो के अंदर, और तो खैर क्या ही बताऊं मैं इस वीडियो के अंदर आपको। और हाँ, जो 2 है, गूगल पिक्सल 2 है, या गूगल पिक्सल जो उनका आइकॉनिक पहला था, उनकी तरफ मत जाना, क्योंकि उनमें अपडेट्स नहीं आ रही है। लाइक आप एंड्रॉयड 11 यूज़ कर पाओगे, या कुछ के अंदर शायद 10 तक ही लिमिट कर दिया है गूगल ने, लेकिन यार एक्सपीरियंस जो है वो तो अनडाउटली अच्छा होने वाला है, लेकिन उनकी तरफ आप मत जाना, क्योंकि जो पहला था उसमें शायद बैटरी में भी कुछ इश्यूज थे कि उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं थी। लेकिन जो Google Pixel 2 है, 3, 3 XL, 3A, ये काफ़ी अच्छे हैं। 3 सीरीज़ के अंदर तो Android 12 तक अपडेट आई है, मैंने देखी है पर्सनली, तो उनके साथ में आप जा सकते हो। और जो 4A, अगर आप 5 तो खैर नहीं मिलेगा इंडिया में, 6, ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। और हो सके तो आप अपनी आसपास की दुकानों पर जाके थोड़ा सा देखना कि जो वो सेकंड हैंड कैटेगरी या यूज्ड कैटेगरी रखते हैं ना, उसके अंदर आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे, वहाँ पर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर आप गेमर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, तो बैटरी नहीं चलेगी गेमिंग में इतनी, क्योंकि जो बैटरी है वो 2800-2900 mAh की है, तो बैटरी मेरी भी डाउन हो गया, फ़ोन की ब्राइटनेस कम हो गई है वीडियो बनाते टाइम। तो यही था इस वाली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रो एक्टिव।